हेलो एवरीवन, लेट में आने का एक नुकसान ये होता है कि सब लोग पहले ही बोल देते हैं. मैंने सोचा था जोक बोलूँगा कि सबने पहले बोल दिया, वो जोक भी उन्होंने बोल दिया. तो ठीक है. आई एम अनुराज जैन, रैंक 24 दिस ईयर. करेंटली इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में हूँ मैं. दिस वॉज माई सेकेंड अटैम्प्ट. 2010 आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिट्स पिलानी और उसके बाद 2 ईयर्स वर्क किया था. एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इफ़ एनी वन ऑफ यू सिटिंग हेयर सोच रहा है कि मुझे यहाँ पे कोई मोटिवेशन चाहिए और मोटिवेटेड नहीं है, तो आपके लिए ट्रस्ट में जर्नी मुश्किल होने वाली है. मोटिवेशन के लिए यहाँ पे नहीं होना चाहिए. मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, मैं किसी भी मोटिवेशनल टॉक में नहीं गया. जब मैं 2 साल के जॉब के बाद एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए गया था, तो मेरे दिमाग में कोई भी एक बैक थॉट नहीं था कि यार मुझे कुछ और करना है. मैं कॉरपोरेट जॉब जो भी मेरा था, मैं सब सोच के आया था कि मुझे नहीं करना है, इसलिए मेरे को कभी मोटिवेशन का प्रॉब्लम नहीं आया. हर दिन मेरे लिए एक सा था. लोग बोल रहे हैं 10 घंटे, जितना भी घंटे पढ़ना है. आई यूज़ टू स्टडी रेगुलरली, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया. फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मेरे को प्रिलिम्स में हमेशा ठीक मार्क्स रहे थे. फर्स्ट अटैम्प्ट में 130 था, सेकेंड अटैम्प्ट में लास्ट ईयर 136 था. तो आई विल टॉक अबाउट इट कि कैसे वो मैनेज किया. मेन चीज़ जो मुझे लगता है, कई बार लोग ना इधर जैसे टेबल के इस तरफ आते ना, तो एक इतना हवा बना देते हैं कि आप ही सब कुछ हो, तो उससे कई लोग खिंचे आ जाते हैं. वैसा नहीं, आप लोग एक बार सोच के आइए कि आप क्यों आ रहे हैं. वो भी मेरे ख्याल से किसी ने बोल दिया. तो एक बार अच्छे से सोच लीजिए कि मुझे अगर UPSC प्रिपरेशन करनी है तो मैं क्यों कर रहा हूँ. फिर अगर हम कुछ बोल रहे हैं उसमें से आपको कोई चीज़ लगती है जो आपने नहीं करी है, दैट यू कैन नोट डाउन रादर देन गेटिंग मोटिवेटेड कमिंग हेयर सीकिंग मोटिवेशन. ठीक है, एक ये चीज़ ध्यान रखिए. सो मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी है. सो थोड़ा सा मैं उस पर हाउ टू यूज़ दैट थिंग इन द एग्ज़ाम, उस पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा. सो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स आए थे 1002 और कट ऑफ था 1006, तो 4 मार्क्स से रहा था मेरा. सो एक जब तक मार्क्स नहीं आए थे तो थोड़ा सा था कि पता नहीं क्या हुआ. और जब मार्क्स आए तो मैंने देखा कि जनरल स्टडीज़ में डिसेंट मार्क्स थे, इंटरव्यू में डिसेंट मार्क्स थे. ऐसे और ऑप्शनल में थोड़ा ऐसा था कि आई हैड टू वर्क अ लॉट. और एकदम मेरे को उस टाइम पे क्लियर हो गया था कि इफ़ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दीज टू थिंग्स, सो नेक्स्ट ईयर प्रॉबेबली मुश्किल नहीं होने वाली है. तो इसीलिए इस बार फिर मैंने काफ़ी काम किया. हालांकि ऐसे इस बार भी डिज़ास्टर ही हो गया, लेकिन ऑप्शनल में उसका मेकअप हो गया. मेरे 267 मार्क्स थे ऑप्शनल में, इस साल 333 मार्क्स आए. तो उसके लिए आई न्यू कि दीज टू आर द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, मुझे इस पे काम करना है. जनरल स्टडीज़ जो मैं कर रहा था, मेरे पिछली बार भी ठीक मार्क्स थे, इस बार भी अच्छे मार्क्स थे. तो आई कंटिन्यूड दैट थिंग. सो प्लीज़ एकदम जब आप फेलियर्स को एनालाइज कर पाएंगे कि मैंने कहाँ चूक करी है. एंड एवरीवन, सब हिंदी में, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके. सो जब एक बार आप समझ जाएंगे कि कहाँ इज़ द स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, जस्ट वर्क अपॉन दैट. और उसके जैसे नित्यानंद ने कहा, लगे रहिए तो हो जाएगा, इशू नहीं आएगा. फिर साइकोलॉजी का मैं ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी नहीं, बट हाउ टू यूज़ प्रैक्टिकली साइकोलॉजी. तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं 2 पार्ट में एग्ज़ाम को डिवाइड करता हूँ. एक है मेमोरी मैनेजमेंट, एक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. मेमोरी मैनेजमेंट कैसे ज़रूरी है कि हम इतनी ज़्यादा स्पीड में चीज़ें पढ़ते हैं कि हमारी मेमोरी एक लिमिटेड एक बॉक्स की तरह है, जिसमें अगर आप उसको ठीक से स्टोर नहीं करेंगे, इट वॉन्ट सर्व यू वेल. तो जितना अच्छे से आप चीज़ों को सिस्टमैटिकली पढ़ रहे हैं और जितना अच्छे से उसको रिवाइज कर पा रहे हैं, उतने ही अच्छे से आप ऑन द फाइनल डे ऑफ एग्ज़ाम रिकॉल करके आंसर को लिख पाएंगे. तो जैसा कि एक फ्रेंड ने बोला था कि नोट्स बनाए थे मैंने, मैंने भी सिमिलर एक A4 शीट में सारे सिलेबस के टॉपिक्स लिख के उससे रिलेवेंट जो जो चीज़ें मुझे लगती थी, कोई आर्टिकल, कोई कमिटी, सब ऐसे हर टॉपिक के लिए किया हुआ था. तो इससे क्या होता था कि जब भी उस चीज़ का कोई क्वेश्चन आता था, मेरे को मेंस में लिखना होता था और मैंने उसको कई बार रिवाइज किया होता था. तो इमिडिएटली एक माइंड में पिक्चर आ जाता था कि अच्छा, इसमें ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है. तो कंटेंट का इशू आता ही नहीं था, फटाफट आंसर पूरा होता था. ठीक है, तो एक ये चीज़ होता है. सिमिलर गोज़ फॉर प्रिलिम्स ऑल्सो. अब
1000 sources होते हैं लोग कहते हैं 1000 most predictable questions for prelims 100 most predictable questions for mains याद रखिए UPSC ऐसी body है कि 300,000 question रहेंगे prelims के पहले all over the country एक भी repeat नहीं होगा ठीक है तो मैं conservative एक estimate बता रहा हूँ एक भी repeat नहीं होगा तो अगर आप prelims का paper लिख रहे हैं तो उससे आप अपनी strategy बनाइए rather than knowledge gain करिए कि आपको 90 attempt करना है कि कोई क्वेश्चन में एलिमिनेशन कैसे करना है कोई लोग क्या करते हैं 100 प्रीलिम्स के पेपर लगा लेंगे पर उसको रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज का इससे अच्छा है कि आप कम पेपर करें लेकिन अगर उससे जो आपकी एरर आया है उसको आप छोटा सा कहीं नोट कर लें और उसको रिवाइज करें देन दैट विल बी हेल्पफुल वही चीज है मेमोरी मैनेजमेंट ये दिस गोज अक्रॉस प्रीलिम्स मेंस और कई सारे लोग इंटरव्यू में प्रॉब्लम होता है तो आई बिलीव कि मेंस में इतना अच्छा कर दो कि इंटरव्यू मैं आप अगर डिसेंट भी कर दोगे तो देन यू आर इनटू द लिस्ट ठीक है तो इसीलिए ज्यादा इंटरव्यू के लिए लोड नहीं लेना जस्ट फोकस मोर ऑन मेंस इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी जैसी भी है यूपीएससी जज करेगा उसको इफ यू आर कॉन्फिडेंट ऑन द डैफ आपने जो भी लिखा हुआ है मैंने पिछली बार एक गलती कर दी थी कि एक हॉबी उस टाइम चल रही थी तो मैंने वाली हॉबी लिख दी तो अब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाया तो थोड़ा सा कहीं डर था कि अगर इसमें पूछ लिया तो मतलब दिक्कत हो सकती है बट इस बार मैंने सारा पहला अटेम्प्ट था डैप भी भरना है भरा भरा लगना चाहिए तो वो गलती हो गई थी इस बार क्योंकि प्रीवियस गलती से सीखा कि वैसा कुछ नहीं करना रिडंडेंट चीज़ें हटाईं जो लिखा एकदम कॉन्फिडेंट होके गया वहाँ पे बोर्ड ने जो पूछा अच्छे से मैं सच बोलता हूँ अगर आधे घंटे हंस के भी आ जाओ तो 165 मार्क्स आ जाते हैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट आप ये देखिए कि अगर आप इंटरव्यू का लोड नहीं ले पा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट का लोड कैसे ले सकते हो जस्ट थिंक दैट थिंग कि अगर आप एक इंटरव्यू का लोड नहीं ले पा रहे हो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर डिस्ट्रिक्ट वेल तो वही चीज़ है कि इफ़ यू आर एबल टू मैनेज योर एंग्जाइटी योर स्ट्रेस एट दैट मोमेंट ऑफ लाइफ दे अज्यूम दैट यू कैन कंटिन्यू द सेम मोमेंटम इवन इन योर जॉब ठीक है तो ये चीज़ याद रखिए और फाइनली मैं ये मेमोरी का मैंने बताया कि थोड़ा सा सिस्टमैटिक पढ़ाई करिए दूसरा मैं बोलता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट ऐसा होता है कि कई बार मैंने लोगों को देखा है कि लोग कमर में पट्टा बांध के बैठेंगे है ना हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आँखों में जलन हो रही है दवाइयाँ डाल रहे हैं तो ये सब चीज़ क्यों है योर बॉडी इज सिग्नलिंग यू कि आप उस पर ऐसा स्ट्रेस दे रहे हैं दैट इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ बेयरिंग इट और जब तक आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी यू आर नॉट गोइंग टू यू नो एबल टू अच्छे से जस्टिस नहीं कर पाओगे दिन के साथ तो उसके लिए मैं रोज के रोज आज भी ऐसा होता है कि डेली 1 आवर शाम को आई टेक आउट फॉर स्ट्रेस रिलीज मतलब कुछ भी 1 घंटे मेरे को जाना ही है 1 घंटे आई गो फॉर रनिंग बॉडी में पसीना आना चाहिए आपको गर्मी आनी चाहिए और उसके बाद इवनिंग में आपको जो इवनिंग बची है दैट विल यू नो प्रॉब्ली बी मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स और दिस थिंग कंटिन्यूज बिफोर प्रिलिम्स इवन ऑन द डे ऑफ मेन्स GS पेपर 1-2 लिखने के बाद शाम को 6:30 बजे घर पहुंच के भी आई गो 1 आवर फॉर जॉगिंग और उसके बाद 3 घंटे में अपना जो भी मैंने वो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको मेरे को रिवाइज करना है और उसके बाद आई गो फॉर राइटिंग द मेन्स एग्जाम एंड दिस इवन कंटिन्यूज ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू अच्छे से जो आपको एक दिन पहले करना है वो करिए एंड योर स्ट्रेस शुड बी इन कंट्रोल वो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है अब कुछ लोग ओवर स्ट्रेस कंट्रोल करने में सोचते हैं यूट्यूब 10 मिनट देखता हूँ तो वो 1.5 घंटा हो जाता है ये सारी चीज़ नहीं करनी है बी इन कंट्रोल बी प्रैग्मेटिक कुछ लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं यूज़ करना और एकदम एक छोटा सा फ़ोन लेके बिल्कुल ऐसा वो नहीं मेरे को ये जो था कि यस सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करना है जिससे कि वॉट एवर कॉन्सेंट्रेशन लॉप्स तो सोशल मीडिया का उतना ही यूज़ करना है जितना कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर एग्जाम मुझे टेस्ट सीरीज़ जो ऑप्शनल की थी वो मुझे सोशल मीडिया पे मिली बी प्रैग्मेटिक अगर किसी चीज़ से आपको हेल्प हो रही है उसके लिए आइडियलिज्म में मत जाइए कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा उसने फला चीज़ करी थी वो पास हो गया ऐसा कुछ भी नहीं होता है आई जस्ट बिलीव इन 1 लाइन दैट इफ़ यू बिलीव इन बैड लक प्लीज़ कीप ट्राइंग अंटिल यू रन आउट ऑफ योर बैड लक ठीक है So this is what I think and it helps a lot. In Khan sir ka sab log wahi bolte hain ki bahut zyada positivity dete hain. He helps you in managing your stress. Aur jo bhi aapka hai na anxiety wagera I think
उस एस्पेक्ट पे सर बहुत वर्क करते हैं. सो इसके लिए मैं सबको पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा. एंड आई विल जस्ट कट इट शॉर्ट, बाकी लोगों को भी कुछ बोलने देना चाहिए. सो थैंक यू एवरीवन.